जुलाई को एक ऑडियो वायरल हुई। वायरल ऑडियो में एक निवासी ने एक समस्या को लेकर धर्मशाला बाजार वार्ड नंबर 48 के पार्षद बबलू गुप्ता और छठी लाल से मांग की। उस पर उनका कहना था कि मैं जनता का नौकर नहीं, सेवक। वायरल हुई ऑडियो का सच जानने के लिए जटाशंकर चौराहा के निवासी शैलेश चौधरी और पार्षद जी ने क्या कहा, जानते हैं। एक दिन की बात है, दो दिन पहले की रात 7-8 बजे करीब, एक सालू नाम का शैलेश चौधरी नाम के कोई लड़का है कि दिनेश चौधरी, हमको नहीं जानकारी है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि पार्षद जी क्या हाल चाल है, हम ठीक है, क्या बताइए, आपके मैसेंजर पे मैं वो भेजा हूँ, कंप्लेंट भेजा हूँ, आपके फेसबुक पे कंप्लेंट भेजा हूँ। मैं किस तरह का कंप्लेंट करें, एक टैंकर पानी के लिए। तो मैंने कहा भाई साहब, भाई मेरे, आपको फ़ोन करना है तो आप 12 बजे पहले फ़ोन करिए या फिर 3 बजे पर फ़ोन करिए, तब तो मैं टैंकर जलकर से मंगा दूंगा वैकल्पिक व्यवस्था में। लेकिन आप कहें आप जनता के नौकर हैं, तो भाई ठीक है, नौकर हैं, मैं किसी का और नौकर हूँ नहीं, मैं जनता का सेवक हूँ। जो भी हमको आप फ़ोन करेंगे उस पर मैं काम करूँगा। लेकिन मुझे वो अपशब्द का भी प्रयोग किया, मैं भी, मेरा भी अभी चाचा एक्सपायर हुए थे, उसमें हम अभी 10वां भी हम लोग नहीं मना पाए हैं, अभी 10वां है, तो फिर अभी ब्रह्मभोज भी हम लोग का है। हर आदमी कहीं ना कहीं, चाहे हम पार्षद हों चाहे अन्य जनता हो, भाई दुख से चाहे किसी चीज़ से आदमी परेशान रहता है। अब हर आदमी एक बैग फ़ोन नहीं उठा सकता है, ठीक है, नहीं उठाया, आप फ़ोन दोबारा भी कर सकते हैं। अब मैसेंजर तो कोई आजकल मैं ना चलाता भी हूँ नहीं हूँ, कभी कभी फेसबुक देखता हूँ, लेकिन फेसबुक वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मुझे अब शब्द का प्रयोग किए लोग, तो ठीक है, करें, कोई बात नहीं है, किसी विरोधी भी कर सकता है। और मेरे वार्ड का मामला है भी नहीं, और वो दिनेश चौधरी कोई है उनका मामला है, तार का मामला, कहाँ आग लग गया, कहाँ, कोई मुझे जानकारी भी नहीं। मोदी जी या योगी जी कहते हैं कि सभी डिजिटल हो जाइए, तो फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर व्हाट्सएप चलाना तो लगभग एक आम बात है, कोई मैसेज कर देता है टाइमली, तो उसको पढ़ना भी तो चाहिए। देखिए, हर पार्षद चाहे हर नागरिक के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, ठीक है, मेरे पास है, लेकिन उतना जानकारी मुझे नहीं है आप मैसेंजर का, फेसबुक भी थोड़ा बहुत है, व्हाट्सएप का भी है, लेकिन मैसेंजर कैसे क्या होता है अब इतना हमको जानकारी नहीं है। तो इस संदर्भ में पूरा क्या आप कहना चाहेंगे, जो आपको वहां से मैसेज किया था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, मेरी छवि के लोग धूमिल करेंगे तो मैं मानहानि की दवा करूंगा। तो क्या ये कुछ विरोधी लोग का भी इसमें? हाँ, विरोधी भी है, बिना विरोधी के तो थोड़े फास्ट हो जाएगा, मैं तो पहचान भी रहे हूँ है कौन। अगर वहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी होता तो वहाँ बिल्लू भैया है, राजेश चौधरी जी हैं, जितेंद्र चौधरी जी हैं, प्रमोद पटेल जी हैं, काफ़ी लोग हैं, और जो फ़ोन किया था वो मेरा बहुत बड़ा विरोधी है, जिसमें कि मैं उसके पिताजी के मरणोपरांत, उसकी दादी के मरणोपरांत, मुझे नहीं कहना चाहिए सब बात, सारी बातें, मैं घाट पर लकड़ी भी लगाया था जो मेरा दायित्व बनता है, उनके पिताजी अच्छे संबंध थे हमारे पप्पू भैया से, और पूरे जटाशंकर में पूछ लीजिए मेरी गतिविधियाँ क्या है। अगर मैं तीन तीन लोग मृत्यु हो गई तो उसमें कर्मकांड का पूरा व्यवस्था मैं करता हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया था उसके पिताजी का दाह संस्कार मैं ही कराया, उसके दादी का भी जो भी जन सहयोग था मैं किया, जो मेरा दायित्व बनता है। घी तेल मांगे 5,000 रुपया हम नगद दिए, चलो भाई गरीब आदमी है, चाहे हमसे जो हम बन बनता हम कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, जो गरीब पात्र है उनके लिए करता भी। चलिए, धन्यवाद, आप नेक काम कर रहे हैं। ऑडियो की सच्चाई जानना बहुत जरूरी था, तो जो आरोप इन पे लगाया, जो बातें हुई हैं, काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि ये जो बातें दोनों में हुई है, जटाशंकर चौराहे पे शैलेश जी जो कि सालू के नाम से जाने आते हैं, तो इनसे हमने मुलाकात किया कि क्या थी, तो इनसे हम जाने क्या बात हुई थी उस दिन। जैसे 29 की रात में यहाँ ट्रांसफार्मर में आग लगा, और 30 तारीख को सुबह हमने हमारे माननीय पार्षद छठीलाल गुप्ता जी को, जो हमारे बहुत आदरणीय हैं, उनको हमने सुबह फ़ोन किया 7:20 पे, फ़ोन नहीं उठा उनको। फिर मैंने 5 मिनट बाद फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने उनके सोशल मीडिया फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट लिख के डाला कि पार्षद महोदय कृपया हमारे वार्ड में एक पानी की टैंकर की व्यवस्था करा दें, और मैंने यही मैसेज उनके मैसेंजर में, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। शाम को मैंने फिर इनको 6:00 पे इनको फ़ोन किया, तो
फ़ोन उठा इनका, हमारी बातचीत हुई, बहुत अच्छे तरीके से बात हो रही थी। अचानक पता नहीं ये किस बात को लेके उग्र हो गए। मैंने इनसे यही कहा कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इसलिए मैंने आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया। तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया फेसबुक वेसबुक नहीं जानता हूँ। और इन्होंने कहा, फिर हम उल्टा लटकाने की बात कर रहे हैं, हमारा आइडियो तो वायरल हो ही रहा है। बीच में आपका एक बात हम काटना चाहेंगे, लगातार ये दो बार से पार्षद रहे हैं, क्या इनका उग्र रूप ऐसे पहले आप लोग को दिखा था क्या? आज तक कभी नहीं दिखा। और हमारे बहुत अच्छे पार्षद हैं ये, हम लोग के सुख दुख के साथी हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरीके की बोल इनकी रहेगी। हम तो यही उम्मीद लेके इनको मैसेज किए या फ़ोन किए। इस तरह की बोली इनकी थी, भाषा थी। और इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपका नौकर नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप चलिए मेरे नौकर नहीं हैं, आप जनता के तो नौकर हैं। इन्होंने फिर उसमें ये भी कहा है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अंत में इन्होंने कहा कि आज के बाद मेरे पास फ़ोन मत करना। अब आप बताएं कि अगर जो वार्ड में कोई समस्या रहेगी तो मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास फ़ोन नहीं करूँगा तो किसके पास करूँगा? और दूसरी चीज़, एक टैंकर पानी मांगने के लिए मुझे ये भाषा सुनना पड़ेगा? मुझे ये उम्मीद नहीं थी अपने माननीय पार्षद महोदय जी से। और उसके बाद से इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे कहा कि मैं इस वार्ड का निवासी नहीं हूँ। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मेरा आवास जटाशंकर चौराहे पे, हमारे बाप दादा यहाँ रहते हुए आए हैं। मैं वार्ड नंबर 48 का निवासी हूँ। और इनको मैंने आपको ये भी मैं दिखा दूँ कि इनको मैंने कब कब फ़ोन किया। 30 तारीख को इनको सुबह 7:00 पे फ़ोन किया, इनका फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने दोबारा इनको फ़ोन किया, शाम को ये तीसरी मरतबा मैंने 6:00 पे इनको फ़ोन किया है। उसके बाद से मैंने इनके फेसबुक अकाउंट पे इनको टैग किया, एक टैंकर पानी के लिए। इसमें साफ साफ लिखा है, मैंने कितना प्यार से इनसे ये चीज़ विनती किया। इनके मैसेंजर पे मैंने फिर ये डाला। उसके बाद से इनकी इस तरह की भाषा का अभद्रता हमसे, जिस तरीके से इन्होंने बात किया है, मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो मैंने भी यही सोच के, और हमारे पार्षद जी भी एक्टिव रहते हैं, तो मैंने यही सोच के इनको एक पोस्ट डाला कि इनका फ़ोन नहीं उठा, कि कम से कम सोशल मीडिया पे ही हमारी बात सुन लेंगे। लेकिन डिजिटल इंडिया के होते हुए भी हमारे पार्षद महोदय इस तरीके की बात करेंगे तो ये अशोभनीय है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरीके का हमें उम्मीद नहीं था, हमारे पार्षद महोदय इस तरीके की बात हमसे करेंगे, उल्टा लटका देंगे। और ये जनता के हमारे नौकर नहीं है, चलिए मैं मान रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जनता के तो नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, नौकर हैं। ये किस तरीके से आखिर जनता इनसे उम्मीद करेगी? तो अभी आप क्या चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि हमारा जो ऑडियो वायरल है और उसमें सारे बातें सब कुछ सामने हैं, क्लियर हैं कि मैं किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहा हूँ और ये किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया से मैं यही कहूँगा कि सामने बैठ के इस बात का तर्क वितर्क रखा जाए, सारी बातें क्लियर हों कि मैं क्या, अगर जो इनको गलत बोला हूँ तो मेरा सर और इनका जूता। तो अभी आपने शैलेश चौधरी जी की बातें सुनी और माननीय पार्षद जी की भी बातें सुनी। अब आप लोग को तय करना है कि वाकई सच्चाई क्या है, कि कौन आरोप लगाया है, कौन क्या है। तो इसके साथ ही सालू जी, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।